वेलकम टू एरोमेटिक कुकिंग। तो आज एक बहुत ही क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। जब घर में वेजिटेबल्स ना हो तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ, स्प्राउट्स होना जरूरी है। तो जब भी स्प्राउट्स इकट्ठे हो गए हो, आपको लग रहा है खराब होने वाले हैं, उससे पहले ही कुछ बनाना है और बॉयल स्प्राउट्स खा खा के हो चुके हैं बोर, तो मैंने बहुत सारी स्प्राउट्स की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो आज मैं तहरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इजी एंड क्विक सी रेसिपी। तो कुकर लेना है, उसमें बॉयल करना है। क्या? अरे भाई, बॉयल नहीं करना है, हीट करना है मस्टर्ड ऑयल को। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हीट करके आप इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, बट मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ और एक मैं बड़ी इलायची डालूंगी। यहाँ पर 1 से 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये जो भी खड़े मसाले आपको पसंद है डाल दीजिएगा। और यहाँ पे 1 से 2 सूखी मिर्ची, लाल वाली तड़के वाली डाल दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा सा आपका मिर्ची तो नहीं आएगी, पर यहाँ पे क्या होगा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सफेद इलायची भी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा अरोमा आ जाता है आपके तहरी में। तो ध्यान रहे, इलायची नेसेसरी है इस रेसिपी में अच्छी खुशबू के लिए। यहाँ पर ढेर सारी प्याज ले लेनी है, 2 बड़ी प्याज आप काट लीजिएगा और इसको इस तरह से रफली चॉप करके आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसको भी आपको अच्छे से भून लेना है। चाहे तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, और इसमें आप हींग जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हींग से भी हाजमा रहता है दुरुस्त। डायबिटीज वाले लोगों के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगी। अगर हाँ, इसमें आप स्प्राउट्स की क्वांटिटी रख रहे हैं ज्यादा, तो डेफिनेटली आप इंजॉय कर सकते हैं कम अमाउंट में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मटर के स्प्राउट्स डाल दिए हैं, क्योंकि जैसा मैंने शेयर किया है आपसे, आज लाई हूँ स्प्राउट्स की तहरी। तो भाई, 2 तरीके के स्प्राउट्स में जा रहे हैं। अब इसी स्प्राउट के साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी, तो तहरी बन रही है तो हल्दी तो भाई ज्यादा ही जाएगी। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच हल्दी आप ऐड कर दीजिएगा। तो आपको कभी लगता है कि आपको तहरी बनानी है और आपको ज्यादा कार्ब्स भी नहीं चाहिए, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें डाल दीजिए थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, 1 से 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाल दीजिए, रेड चिली पाउडर डाल दीजिए और थोड़े से गरम मसाला का पाउडर डाल दीजिएगा। तो ये स्टील का कुकर है, इसलिए यहाँ पर इसको बार बार चलाना जरूरी है, नहीं तो देखिए मेरी तरह यहाँ पे मसाले जो है एकदम ड्राई है, लग जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं भूल जाती हूँ भाई, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसको मसालों के साथ अच्छे से पका लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी तहरी में होता है ढेर सारा काब, क्योंकि इसमें आलू भी पड़ता है और राइस में तो ऑलरेडी स्टार्च काब बहुत सारा रहता ही है। तो इसको आप कंपनसेट कर सकते हैं मटर स्प्राउट्स के साथ में, और एक और स्प्राउट जाने वाला है, आप समझ ही गए होंगे। अगर वो स्प्राउट नहीं है तो चने का स्प्राउट ले सकते हैं, मूंग का स्प्राउट ले सकते हैं, और किसी भी स्प्राउट से आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो रेगुलर तहरी से आपको हटके कुछ चाहिए और कम काप के साथ चाहिए और अच्छा प्रोटीन चाहिए, तो डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता ही है। मैं ऑलरेडी एक मटर पुलाव तहरी भी शेयर कर चुकी हूँ, या मटर पुलाव आप कह सकते हैं उसको, कि मटर पनीर पुलाव भी कह सकते हैं और मटर पनीर तहरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइस डाल देंगे, मैं रेगुलर राइस जो सरबती वाले होते हैं मैं यूज करती हूँ, वही राइस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप जो भी राइस करना चाहते हैं यूज कर लीजिएगा, बट मैं तो फैमिली में जो घर पे ही यूज होते हैं वही राइस को आज इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसी के साथ मैं इस तहरी को बनाऊंगी। तो इस तरह से थोड़ी देर राइस को भी भून लीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा आपका इसमें अरोमा सेट हो जाता है। सॉल्ट ऐड कर दीजिए, मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, एज पर द टेस्ट पिंक सॉल्ट या फिर रेगुलर सॉल्ट को ऐड कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पर स्प्राउट्स ऐड कर लेने हैं ढेर सारे। यहाँ पर मैं ग्रीन मूंग स्प्राउट्स ले रही हूँ, अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास हो गए थे, और ये देखिएगा मैं इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सारी रेसिपीज में ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी इस वीक, जिसकी रेसिपीज ऑलरेडी अपडेटेड हैं, हमने प्लेलिस्ट भी शेयर कर रखी है, तो जरूर चेक कर लीजिएगा हाई प्रोटीन रेसिपीज में। स्प्राउट डालकर इन सबको अच्छे से चला लीजिए, यानी कि स्टिर कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए भून लीजिएगा। इससे आपके जो तहरी है इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन ऐड हो जाएगा और आप गिल्ट फ्री तहरी एंजॉय कर पाएंगे अपने लंच में। तो डेफिनेटली आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपने कभी ये तहरी बनाई है। अगर हाँ, तो जरूर आगे भी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, भाई ये रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है, रेगुलर तहरी से थोड़ी सी हटके है और हेल्दी भी है। तो इस
रेसिपी को वेट लॉस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मस्त सी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक स्माइली सेंड कर दीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कैसी लगती है आपको हमारी रेसिपी। पानी ऐड कर दीजिए, जितनी आपको लगता है आपका राइस पानी अब्सॉर्ब करेंगे उतना पानी आप ऐड कर दीजिएगा। मेरे लिए एकदम परफेक्ट पानी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद इसको चला दूंगी और इसकी लिड लगाकर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिएगा मेरे राइस एकदम से ठीक हो चुके हैं, तो इसको कर लीजिएगा अच्छे से मिक्स और लिड लगाकर इसको रख दीजिए। हल्की आंच पर मैं इसको पकाऊंगी तो ये परफेक्टली कुक हो जाएंगे। लिड लगा सकते हैं, जितने आपको लगता है कि विसल लगनी है आपके राइस के अकॉर्डिंग उतनी विसल लगा के आप तैयार कर लीजिएगा। भाई मेरे रेसिपी तो 10 मिनट बाद ही तैयार हो गई है। मैं इसको धीमी आंच पर हल्का सा भरकने के लिए छोड़ दिया था और देखिए एकदम परफेक्टली कुक होके तैयार भी हो चुकी है। एक सर्विंग इसमें से जा भी चुकी है। तो यहाँ पर इसको आप दही के साथ, क्यूकम्बर सैलेड के साथ में और क्यूकम्बर रायता के साथ एंजॉय कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। डेफिनेटली ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा मुझे कैसी लगती है आपको हमारी रेसिपीज। अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जल्दी से इंस्टाग्राम पर सैयद डिलाइट को और एरोमेटिक कुकिंग को फॉलो कर लीजिए।